हेलो फ्रेंड्स, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। कटिंग अपने दो पार्ट हो चुके हैं पहले से, तो इस नए सेशन में और नए पार्ट में हम स्केच बेस फीचर के बारे में हमने सीख लिया है, मल्टी पॉकेट वाला सीख लिया। आज हम देखेंगे ड्रेसअप फीचर्स, कि ड्रेसअप फीचर्स का कहाँ कहाँ क्या यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्केच ले लेते हैं, प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच में गए, प्रोफाइल से कोई सा भी स्केच एडिट करते हैं अपना, ठीक है। ओके, एडिट स्केच एंड पेड, इसको पेड करेंगे। तो मान लो हमने मिरर पेड किया है तो 40 का हो गया, 20 का मिरर करेंगे 40 हो गया ना। अब पहला आता है अपने पास में एज फिलेट। एज फिलेट में जो सर्कल के अंदर आता है ना अपना, वो एज फिलेट, जैसे कि ग्राउंड के अंदर आएगा, ऐसे ऐसे ग्राउंड के अंदर आएगा। तो इसमें हम पूरा एज को भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ है, जैसे कि मान लो हमने सेलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो ये गलती से पूरा सेलेक्ट हो गया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, या तो इसी पे क्लिक कर दो वापस, या फिर इधर जो दिख रहा है थ्री एलिमेंट्स, इसके पास छोटा सा आइकन है, इस पर क्लिक करो और जो इधर अपने को रिमूव करनी है उसको सेलेक्ट करो और इसको रिमूव कर दो। हो गया रिमूव। अब जैसे ये रिमूव करना है अपने को, सेलेक्ट करो, इसको रिमूव कर दिया एंड क्लोज, ठीक है। फिर जो सेलेक्ट करना है, जिसको रिमूव करना है उसको, इसके पूरा सेलेक्ट और उसको रिमूव कर दिया वापस, लाइन हो गई, ठीक है। तो इसी चीज़ का, या फिर इस पर डबल क्लिक कर दो, जैसे कि इसको गलती सेलेक्ट कर लिया, वापस जैसे क्लिक कर दो तो क्या अनसेलेक्ट हो जाएगा। ओके, और इसको फिर प्रीव्यू करके ओके देख लो, तो अपना ये हो गया। अब बताया चैम्फर, इसका अपने चैम्फर क्या यूज होता है, जो अपना कॉर्नर है ना उसको रिमूव करने के लिए। जैसे कि अपना कॉर्नर हो गया, चैम्फर दे दिया, इसको हमने चैम्फर दे दिया, कितने का है, 45 डिग्री है, और ये 1 2 3 4 जो भी लेंथ है वो, इसमें अपन लेंथ बाय लेंथ भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ओके, प्रीव्यू कर दिया, उसको ओके कर दिया, ऐसे हट गया। अब इसमें आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे कि ये फेस तो वही है, इसके आगे इधर 45 डिग्री एंगल पर झुका है, ठीक है। फिर अपने को रिवर्स साइड में चाहिए, जैसे कि इधर रिवर्स साइड में किया हमने, और ये तो ये देखो, इस फेस को ऐसे रिवर्स साइड में काट रहा है ये, इधर देखो कैसे काट रहा है ये देखो, तीन का एज अपना इधर 3 आ गया, इधर इससे 45 डिग्री एंगल उधर बन गया, रिवर्स साइड, तो इन दोनों में डिफरेंस है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ओके, अब अपना अगला कमांड है ड्राफ्ट एज। ड्राफ्ट एज का मतलब, जैसे कि कम रेंज में वगैरह में अपने को ड्राफ्ट एज ही यूज करते हैं, जैसे कि सिलेक्ट किया 5 का ड्राफ्ट है, इसको सिलेक्ट किया, फिर इसमें अपने पास क्या है, नेचुरल एलिमेंट क्या है उसको सिलेक्ट करो, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से ये 5 एंगल डिग्री क्या है, अंदर की ओर आ जाए, बाहर की वजह से एंगल पे आते हैं ना स्लाइडर की वजह से, ऐसे स्लाइडर पर आ जाए, ऐसे स्लाइडर में 5 में समझ नहीं आ रहा, आपको ज़्यादा डिग्री एंगल देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इतना दे दिया 30 का, मान लो 30 का, अगर 30 का हमने दे दिया, ठीक है। रिव्यू किया, एक स्लाइडर की तरह ऐसे आ गया, ठीक है। जिसको हम सेलेक्ट करते हैं ना, वो एज उसी की एज के थ्रू होता है ये चीज़, ठीक है। और जैसे कि अपने पास है सेल कमांड, तो ये सेल कमांड किसके लिए यूज होता है, तो ये सेल कमांड अपना अपन जैसे यूज करते हैं ना शीट मेटल, उसके हिसाब से सेल कमांड का यूज होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया एलिमेंट क्रिएट करते हैं पहले, इसको जैसे डिलीट मार देते हैं, इधर से डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया हमने, ओके सबको डिलीट कर दिया। नया स्केच लिया, स्केच सेलेक्ट, ये स्केच, ओके हो गए, पेंट कर दिया इसको। अब हम सेल कमांड कर देते हैं, सेल पर क्लिक किया, जैसे कि ये अपने को गया है ऊपर का फेस अपने को रिमूव करना है, ठीक है। तो ऊपर का फेस रिमूव किया, अदर थिकनेस फेस पर क्लिक किया, इन बाकी सब पे क्लिक कर दो, तो ये क्या अलग अलग दिखेगा अपने को, कितना एम एम का थिकनेस चाहिए अपने को, मान लो 2 का चाहिए, तो उसको ओके कर दो। जैसे शीट मटेरियल में होता है ना, 2 एम एम थिकनेस करके बॉक्स बनाने के लिए या डब्बा बनाने के लिए,
इस काम ने क्या है, इसमें सेल में यूज़ हो गया। इसका भी यूज़ होता है इस शीट मेटल, इस पार्ट डिज़ाइन को हम शीट मेटल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये सोच रहे थ्रेड का, ये थिकनेस का है, इसके अपने कहीं थिकनेस बढ़ाना हो 1 mm 2 mm, ठीक है, तो उधर का आएगा। जैसे कि हमने बढ़ा दी इसको, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 कर देते हैं, ये मल्टी गुना थिकनेस बढ़ गई ना, ये देखो ये 3 बढ़ गया, बाकी सब एक एक है, ये 3 बढ़ गया। अब आता अपने पास क्या है, ये थ्रेड का ऑप्शन क्या है, इसके पहले अपने होल चाहिए, ठीक है, या तो इधर से होल लाओ या फिर पॉकेट से होल लाओ। जैसे कि अपन वो स्क्रू वगैरह करते हैं तो उसके लिए होल का यूज़ करते हैं ना, तो उसलिए अपने क्या पहले एक होल चाहिए। जैसे कि अपने को M5 का नट उसके अंदर जाना है, ठीक है, तो M5 को जाना तो क्या होगा, M5 के लिए 4.2 का होल मारेंगे, ठीक है, 4.2 होल मारेंगे तब ये M5 का हो जाएगा अपने पास। जैसे कि हमने थ्रेड पर क्लिक किया, पहले अंदर का पेज सेलेक्ट करेंगे, ऊपर सेलेक्ट किया, अब कितने का, 10 का, M10 का नट चाहिए अपने को, या अपने पास डेप्थ जा रही है, पिच पिच कितना होगा M10 के लिए, 1 का पिच, ओके, उस पिच को कट कर देते हैं। तो ये ड्राफ्टिंग में दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा, ये ड्राफ्टिंग में दिखेगा अपने को कि यहाँ इधर थ्रेड आ रखा है, तो ये थ्रेड का बहुत ज़्यादा यूज है अपनी इंडस्ट्री में, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने को, ओके। तो ड्रेस ऑफ फीचर्स के अंदर अपना इतना ही था, बाकी इसमें ये है वो सेम ही, इतना कुछ नहीं है इसमें, अपने को जो यूज़ होता है कंपनी में अपने को उसी पर ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, दूसरी चीज़ अपने को मेजरमेंट का बहुत फोकस करना है, इसको मेजर करने के लिए देखो इधर एनी ज्योमेट्री के लिए इधर का फेस सेलेक्ट किया, किया तो अपने पता चल जाता है कि भाई हाँ ये अपने पास में 69.323 का है अपने पास, ठीक है, या फिर इधर का फेस सेलेक्ट किया, इधर का सेलेक्ट किया कितना का है 60.29 का, अपने को अंदर का देखना है, अंदर का फेस सेलेक्ट किया तो अंदर का अपने पास कितने का स्पेस है 54 का है, और इधर का कितने का स्पेस है अपने पास में, अंदर का देखना तो अपना 66 का है। तो ऐसे अपने को क्या ज्योमेट्री का इसका भी यूज़ करना है, आना चाहिए यूज़ करना कैसे क्या होता है, कस्टम दे रखा है या पॉइंट है, तो जैसे कि पॉइंट पे क्लिक किया हमने, ठीक है, इधर से हमने ले लिया सर्किल, सर्कल ये, ओके। चलो अपन आगे कमांड कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फ्रेंड्स ज़्यादा क्या है, ज़्यादा तो करेंगे तो दिक्कत रहेगा, तो छोटे छोटे सेक्शन में अपन कंप्लीट करते हैं पूरा।